किसी भी मौसम से चूक जाना, लेकिन उस मौसम से ना चूक जाओ जिसमें प्रभु तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता। उस मौसम से मत चूक जाना जब स्वर्ग नीचे आ जाता है। हर बात का एक समय, आमेन। और इसलिए जो विश्वासी जीवन है, खाली नया जन्म मिलने के लिए नहीं है। ये विश्वासी जीवन मिला ताकि तुम उस जीवन को जियो जिस जीवन को परमेश्वर ने निर्धारित किया। ये विश्वासी जीवन है, तुम उस स्थान पे कदम रखो जो स्थान तुमको परमेश्वर देने वाला है। ये विश्वासी जीवन है कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन में पूरी हो। जब हम जीवन में कष्टों से जाते हैं, हम बंधन में जीते हैं, जब हम बहुत तकलीफों को झेलते हैं, कई बार हम अपने अंदर सिकुड़ जाते हैं और हम आगे नहीं देख पाते। अब बोलो, प्रभु मुझे आगे देखना। लेकिन प्रभु कह रहे मौसम, बोलो उस मौसम को मत मिस करना जिस मौसम में मैं काम करता हूं, क्योंकि मेरा एक दिन 1000 साल के समान। और किसी डेट में चूक जाना, उस मौसम से अपनी डेट में मत चूकना जिस मौसम में परमेश्वर काम करता है। क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोग आपको पहचानेंगे नहीं। जब परमेश्वर काम करता है, लोगों का अतीत कट जाता है और सिर्फ परमेश्वर का लिखा भाग्य उनके जीवन में क्रियाशील हो जाता है। जब परमेश्वर काम करता है, लोग उसकी आत्मा से ऐसे भर जाते हैं कि अब केवल वही भाग्य जो परमेश्वर ने लिखा। हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंदर से चीखते हैं, और कब तक, कब प्रभु, कब प्रभु बोल रहा, तुम जो भी बोलो, एक मौसम है उसको मत मिस कर देना। महानता डाली नहीं जाती है, वो किसी किसी के अंदर बचपन से होती है। सिर्फ सही मौसम का इंतजार करो। एक मौसम आता है जब परमेश्वर काम करो, और उस मौसम में जो हदें हैं वो टूट जाती है, जो बंधन है वो टूट जाते हैं और असली आप भी बाहर आ जाते। बोलो, मेरी गलती नहीं है, प्रभु ने खुद कहा है, जब मैं आत्मा उड़ेलूंगा तुम स्वप्न देखोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे। बोलो, मेरे पास भविष्य के लिए एक वचन है। मैं मुरझा के नहीं जीऊंगा, मुझे खुल के जीना है, मुझे खुल के प्रभु की आराधना करना है। आज मुझे कोई बंधन पकड़े नहीं रह सकता, आज पिंजरों को टूटना होगा, मुझे पर लगे, कोई मुझे उड़ने दो। कोई तो बात है तुम में जो दूसरों से अलग है, बहुत पोटेंशियल है लेकिन दिखता नहीं है। परमेश्वर को दिखता है, इसलिए वो अपना आत्मा उड़ेलता है ताकि तुम्हारा अतीत हट जाए और तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाए। इसलिए टूटा शरीर फिर भी काम चलेगा, उसे आत्मा नहीं टूटनी चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए। आमेन। हौसला, कई लोगों का हौसला टूट जाता, वो हार मान जाते और क्या होता है, वो सिकुड़ने लगते, उनकी हदें छोटी होती जाती, वो जहां जाते अपना पिंजरा साथ लेके जा रहे। सोचो, तुम्हारे लिए एक भाग्य तैयार है लेकिन तुम भाग्य के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी जरूरतें, किसी के लिए घर तैयार है, तुम तैयार नहीं हो उस घर के लिए। किसी के लिए काम तैयार है, तुम तैयार नहीं हो उस काम के लिए। किसी के लिए एक मिशन तैयार है, एक जगह तैयार है, तुम तैयार नहीं हो उस जगह के लिए, क्योंकि अभी तक तुम्हारा दिमाग नहीं बदला, तुम्हारा अंदर का आदमी बंधा हुआ है और तुम उस कारागार में बंद होकर सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा। देखो, यूसुफ को पहले एक सपना मिला और सपने के साथ जेल फ्री में मिली, लेकिन जिनके पास सपने हैं उनको जेल में तुम रख नहीं सकते। जिनकी आत्मिक आंखें खुली हो तुम उनको जेल में बंद नहीं रख सकते, उनकी हदें केवल परमेश्वर निर्धारित करता है। आमेन। उन्होंने पौलुस को जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में नहीं रह सकते। उसने इतनी स्तुति की कि बंधन टूट गए,
क्योंकि उस दिन खाली भूकंप नहीं आया, भूकंप के कारण कारागार तो खुला, उनके हाथ की बेड़ियां भी खुल गई। निशा बोलो अचानक से, फिर से बोलो अचानक से। उस दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे अचानक से, उस दिन पेंतकोस के दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे अचानक। आज अपने मन में निर्धारित करो और इसमें हम दबे नहीं रहेंगे, इस परिस्थिति में और जिएंगे नहीं।